10th August, Kalka Depression weekend होकर के Wilma Klobuchar area आज early morning में हो गया है. अभी इसका location East MP and Nevarud area में है. मॉनसून active है और पिछले 24 घंटा में सभी जगह में हल्का से मध्यम बारिश हुआ है. हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है. हाईएस्ट रेनफॉल था संबलपुर डिस्ट्रिक्ट का जामुनकिरा में 147 मिलीमीटर. स्टेट एवरेज रेनफॉल था 33.4 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 10.1 मिलीमीटर. अभी सीजनल रेनफॉल भी हमारा और भी इम्प्रूव हुआ है. सीजनल रेनफॉल टोटल रेनफॉल हुआ है 667.2 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 677 मिलीमीटर. फर्स्ट जून से आज 10th अगस्त तक तो स्वाभाविक रेंज में ही है. चार डिस्ट्रिक्ट में बोध कंधमाल धनकनाल नयगर में एक्सेस रेनफॉल हुआ है. अभी हमारा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्ट बंगाल एंड नेबरहुड कोस्टल एरिया, वेस्ट बंगाल एंड नेबरहुड एरिया में है अपर लेवल में. और एक फ्रेश लो प्रेशर एरिया 13th अगस्त का आसपास फिर होने का चांसेस है. और एक लो प्रेशर एरिया 13th अगस्त का आसपास होने का चांसेस है. तो अगला 5 दिन का हमारा जो अभी फोरकास्ट है, इसमें नेक्स्ट 24 आवर्स में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है. कुछ कुछ जगह में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके सुंदरगढ़, मयूरभंज, केउनझर, धनकनाल, ये नॉर्थ इंटीरियर का ये सब डिस्ट्रिक्ट में और नॉर्थ कोस्टल का सभी डिस्ट्रिक्ट में जैसे बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, कटक और नॉर्थ ओडिशा का बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी एक दो जगह करके हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है. साउथ ओडिशा का हमारा एडजॉइनिंग साउथ ओडिशा का कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी एक दो जगह करके हैवी रेनफॉल हो सकता है, जैसे नयगढ़, खुर्दा, पुरी, सोनपुर, बौद्ध, ये सब डिस्ट्रिक्ट में. और फिर कल हमारा केवल कल रेनफॉल इंटेंसिटी कम होने का चांसेस है. मीन्स 11th एंड 12th में रेनफॉल मेनी प्लेसेस में होगा और इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा, एक दो जगह करके हैवी रेनफॉल केवल हो सकता है. फिर 13th से रेनफॉल एक्टिविटी फिर इंक्रीज करने का चांसेस है फ्रेश लो प्रेशर का वजह से. 13th एंड 14th हमारा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा. फिशरमैन को नेक्स्ट 48 आवर्स मीन्स कल तक एलंगंडा उड़ीसा कोस्ट जाने के लिए मना किया है. फिर 14 में भी है और बीच में हमारा डीप सी एरिया में जाने के लिए मना किया है. भुवनेश्वर सिटी में जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा.